बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग में आपको खुश आमदीद। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत यूनिक सी रेसिपी है, यूट्यूब पर कहीं नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। ये लंच बॉक्स रेसिपी है, बच्चों को मैं बना के देती हूँ, बच्चे बहुत खुश होते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है, मिनटों में बनने वाली है। सब कुछ मौजूद होता है आपके किचन में जिससे ये चीज़ बनेगी। तो आज मैं बना रही हूँ चीनी वाला पराठा, और चीनी वाला पराठा जो है वो आम चीनी वाला पराठा नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आएगा। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ली है सौंफ, और मैंने इसको दरदरा सब पीस लिया है, आधी चाय की चम्मच के करीब है ये। एक खाने का चम्मच ली है मैंने चीनी, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं कम ज़्यादा, एक चुटकी से ज़्यादा मैंने कलौंजी अजवाइन ले ली है। ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट जो है इसका डेवलप होता है, हाजमा भी होता है बच्चों का। एक चाय का चम्मच मैंने नारियल जो है उसको मैंने कश कर लिया है इस तरह, ये देखें, ये आप ले सकते हैं। और एक चाय की चम्मच से थोड़ा सी कम है तेल, सफ़ेद तेल जो होते हैं ये। और इसके अलावा अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट पसंद है या बच्चों को पसंद है तो आप वो ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल कर सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इनमें किसी भी क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं सिवाय अजवाइन के। और यहाँ पर जो है इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ, अब तमाम चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। और इसको साइड पे रख देते हैं, अब हम दो पेड़े बना लेंगे एक जैसे जी। तो दो एक जैसे पेड़े हमने बना लिए हैं, और दोनों को एक जैसा ही बेल लेंगे। अच्छा जी, रोटी मैंने बेल ली है, पहले मैंने घी लगा लिया है नीचे ताकि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके ऊपर चिपक जाएं और सेहत भी हो। आप देसी घी भी लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं, और ऑयल या दूसरा घी जो होता है वो भी लगा सकते हैं, इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और इंग्रेडिएंट्स जो है वो चिपक जाते हैं। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो थे वो मैंने इसके ऊपर इस तरह स्प्रिंकल कर दिए हैं, ये देखिए आप अच्छे से हो चुके हैं, आप देखें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसके ऊपर बिल्कुल किनारों तक जो है वो मैंने लगा दिए हैं। अब जो दूसरी रोटी है वो इसी के साइज़ की है, और वो मैं इसके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी। तो मैंने दूसरी रोटी इसके ऊपर लगा दी है, और प्रेस कर देंगे इसको ताकि ये चिपक जाए। और यहाँ पर जो तवा मैंने रखा हुआ है उसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम रोटी डाल देंगे, पराठा हमने डाल दिया है इसके ऊपर, और फ्लेम को जो है वो हमने स्लो रखना है ताकि मेल्टिंग हो जाए सब चीज़ों की। देर के बाद हम रोटी को जो है वो पलटा देंगे पराठे को, ये देखिए, और स्लो फ्लेम पर हमने इसको करना है। हर तरफ से सिकाई करते जाएंगे हम। अब हम इस पर घी लगा लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी कर सकती हैं, घी, मक्खन, देसी घी, कोई भी चीज़ लगा सकती हैं, ऑयल लगा सकती हैं, और जितना चाहती हैं उतना लगा सकती हैं। तो यहाँ पर हम इसको तमाम जगह से हल्का हल्का सा सिकाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जगह से पराठा अच्छा सा सिक चुका है, तो हम इसको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए एक प्लेट में रख दिया है, और मैं आपको इसकी अंदर से लुक इसकी दिखाती हूँ। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह अंदर से आप इसकी लुक देखें कि सब चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है, और बहुत ही यम्मी इसका टेस्ट मुझे लग रहा है, और बहुत ही मज़ेदार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगने की सूरत में लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि सब लोग ये चीज़ बना के मुझे कमेंट करें कि कैसी लगी उनको। कमेंट आपने लाजमी करना है, ठीक है। और नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, और लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।